यूपी की खबर बताते हैं आपको। लखनऊ में राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने अपने विभाग के कामकाज का ब्यौरा मीडिया के सामने रखा। इस दौरान उन्होंने कौशल विकास विभाग में पिछले चार सालों में हुए विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पिछले चार साल में 47 नए राजकीय आईटीआई खोले गए हैं। इसके अलावा 36 नए आईटीआई भी अनुमोदित कर दिए गए हैं, जिनका निर्माण नवंबर 2021 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। आगे उन्होंने बताया कि राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ समन्वय कर 16,000 से अधिक स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया गया है और लगभग 11,000 महिलाएं प्रशिक्षण प्राप्त भी कर रही हैं। अनेक महिलाएं स्वयं सहायता समूह स्कूली ड्रेस तैयार कर रही हैं, जिन्हें स्कूलों में सप्लाई भी किया जा रहा है। नाटिकाओं के माध्यम से, प्रचार प्रसार के माध्यम से उनका प्रचार करना, गांव-गांव तक पहुंचाना, गांव में अच्छे युवाओं का संरक्षण करना, ये काम भी लगातार इनसे हमारी करने का काम कर रही है। डिस्ट्रिक्ट स्किल डेवलपमेंट प्लान ये कमेटी हमने जनपद में बनाई। लोगों को किस प्रकार की रोजगार की आवश्यकता है, वैसी कमेटी उसका निर्णय करेगी, फिर वैसी वहां पे हम ट्रेनिंग कराने का काम करेंगे, वहां के युवाओं को वहीं का रोजगार मिल सके और वहीं वो उनको स्किल होकर के उनको बाहर ना जाना पड़े। चार प्रकार के अचीवमेंट पूरे हिंदुस्तान में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक परीक्षा होती है, उस परीक्षा में 11 पूरे हिंदुस्तान में 11 सर्टिफिकेट मिले, फर्स्ट 11 में 4 हमारे डिपार्टमेंट को उत्तर प्रदेश के अंदर मिले हैं, ये भी एक बड़ी उपलब्धि हमारी है।